हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोकर राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो आप सबको पता है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोगों को रिलेशन में धोखा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अच्छे लड़के हो या अच्छे लड़कियाँ हो, हमेशा ये लोग होते हैं रिलेशन में धोखा खाते हैं। तो इन चीज़ के रीजन जानेंगे और मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आपके साथ हुआ है, अगर आप भी एक अच्छे इंसान है फिर भी आपके साथ धोखा हुआ है तो कहाँ पे गलती थी, ताकि आगे आप कोई रिलेशन बनाओ तो इन चीज़ का ध्यान रखो कि आपको लोग क्या समझ रहे हैं, आपकी अच्छाई को लोग क्या समझ रहे हैं और आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं। समाज में अच्छे लोगों को देखने का, दूसरे लोगों का नज़रिया क्या है, इन चीज़ के बारे में जानना आपका आज का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया जाता है, आपको गलत समझा जाता है। इसीलिए अच्छे लोग हमेशा हर्ट होते हैं, तो कहीं कई बार अच्छे लोगों का रिलेशन से, प्यार से भरोसा उठ जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो रियल में। तो ऐसा क्यों होते हैं, इन चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं कि रिलेशन में कोई अगर अच्छा इंसान होगा तो आपका पार्टनर का आपके लिए कोई डर नहीं होगा। अगर कोई एक अच्छा लड़का है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे बिल्कुल ही नहीं डरेगी, अपना जो भी मन करेगा वो करेगी। डरने का मतलब ये भी नहीं कहता कि आप अपने पैर के नीचे उसे दबा के रखिए, नहीं। औरत की एक चीज होती है कि वो इस इंसान को कभी धोखा नहीं देगी, उनसे बहुत प्यार करती है। जो थोड़ा सा उसे डरती है उसको इस चीज का पता होना चाहिए कि मैं इस लड़की के साथ कमिटमेंट में हूँ। अगर मैंने इसकी कमिटमेंट तोड़ी तो इस चीज का उसको डर होना चाहिए कि मैं कमिटमेंट नहीं तोड़ सकती, मैं दूसरे लड़के के साथ नहीं जा सकती, ऐसा डर उसके अंदर होना चाहिए। और हर लड़की का और हर लड़के का अपने पार्टनर के पास इसका डर तो रहना ही चाहिए, थोड़ा सा डर तो रहना ही चाहिए। हालांकि आप उसको हर चीज में डांटो ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपका बिहेवियर उनके साथ थोड़ा सा तो ऐसा होना चाहिए ताकि वो थोड़ी सी डरे। अगर आप में बिल्कुल भी नहीं है तो उसको तो किसी के बाप का भी डर नहीं है, आपके साथ जो चाहे कर सकती है, आपका दिल तोड़ सकती है, आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है। तो थोड़ा सा डर होना बहुत ही जरूरी है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों के साथ धोखा होता है, इसका एक रीजन यही है कि आप उसे हद से ज्यादा प्यार कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं किसी इंसान को उसकी औकात से भी ज्यादा प्यार कर देते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छी तरह से प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं। फिर वो लड़की हो या लड़का हो, जब आप किसी इंसान को उसकी औकात से ज्यादा प्यार करते हैं तो उसका मन भर जाता है, वो आपका इतना ज्यादा प्यार सहन नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि आप उसको कोई तड़पा नहीं रहे, वो चाहत उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती आपका किसी का इतना ज्यादा प्यार पाने के लिए। तो उसके माइंड में ना आपकी कोई इज्जत रहेगी ना प्यार की, क्योंकि उसको मुफ्त में मिल रहा है ना। हमें पानी मुफ्त में मिलता है तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं पड़ती, लेकिन वही एक गिलास पानी हमें 250 या 300 रुपए में खरीदना पड़े तो हमें कितनी ज्यादा उसकी कीमत होगी ना अंदर से। उसी तरह से आप बिना कोई मतलब के, बिना कोई जिसके उसको उसके ऊपर प्यार ठोकी रहे हो, उसको बहुत ज्यादा प्यार करो, कभी भी इस चीज में रुकावट नहीं आते, कभी भी आप उसको अपने मुंह से आई लव यू सुनने के लिए तड़पाते भी नहीं हो, तो वो आपकी ना कदर करेगी ना आपके प्यार की कदर करेगी। इसलिए हद से ज्यादा प्यार करना, बे मतलब प्यार करना, वो भी फायदेकारक नहीं है आपके लिए। सेम चीज तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर की सारी डिमांड्स है वो भी पूरी कर देते हैं तो भी ये चीज हो सकती है कि आपको धोखा दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई अच्छी लड़की अपने बॉयफ्रेंड की सारी इच्छा है उसको पूरी कर देती है, वो कहती है कि मेरे साथ सेक्स करो तो भी आप करने के लिए रेडी हो जाती है, उसके साथ कहीं भी जाने के लिए, उसको कोई चीज़ चाहिए, कोई गिफ्ट चाहिए, सारी डिमांड है आप उसकी पूरी कर देते हैं, तो लोग होते ऐसे ही लोगों को भूल जाते हैं और इसीलिए कहते हैं कि वो तो बहुत ही बड़ा एहसान फरामोश इंसान है, क्योंकि उसने मेरी सारी इतनी चीज़ों का यूज़ किया, मेरा पर्सनल इतना यूज़ किया, ये सारी चीज़ देने के बाद भी मुझे छोड़ के चले गई या छोड़ के चला गया, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उसकी सारी डिमांड पूरी की, जो उसने बोला आपने कभी रोका टोका ही नहीं। उसको पता नहीं है कि आप उसके लिए जो भी कर रहे हो, आप कितना परेशान हो गया, आप अपनी लाइफ की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे दे रहे हो और जो आपके लिए करना मुश्किल है वो आप कर रहे हो, तो उसको समझ में नहीं है कि आपने उसके लिए क्या किया। अगर आपके लिए कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने उसको दे दी तो उनके लिए उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसी तरह से हम चौथे रीजन के बारे में बात करते हैं कि हर बार माफ कर देना, ये भी एक रीजन है कि अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि अच्छे लोग तो अच्छे लोग होते हैं, उसको अपने अगर अपने पार्टनर की कोई गलती होती है तो हर बार माफ कर देते हैं। अगर आपकी आदत है कि आप अपने पार्टनर को बार बार या हर बार माफ कर देते हैं तो ये भी आपके लिए एक मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि उसको तो पता ही है कि मैं जो भी करूँगी दूसरे लड़के के साथ भाग जाऊँगी या दूसरे 2-4 गर्लफ्रेंड रहूँगा, मेरी पार्टनर है मुझे प्यार करती है हर बार की तरह, वो मुझे इस बार भी माफ करेगी, तो इसके लिए उसके माफ करने का आपका जो रवैया है उसको पता ही है कि यही होने वाला है, ये भी आपके लिए खतरनाक है, इसीलिए लोग आपको धोखा देते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि अच्छे लोगों को धोखा क्यों दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण रीजन ये आप कह सकते हैं
कि आपके पार्टनर को पता होता है कि आप कितने उदार हो, आप हर बार उसको माफ कर देते हो, ना कभी उसके ऊपर गुस्सा करते हो, सारी डिमांड पूरी करते हो, तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बारे में ये सोच रहा है कि आप तो एक मूर्ख इंसान हो। कोई भी इंसान आपको आसानी से उल्लू बना सकता है, आपका फायदा उठा सकता है, जिस तरह से मैं उठा रही हूँ या मैं उठा रहा हूँ, इसी तरह से कोई भी इंसान आपका फायदा उठा सकता है। तो लोग ये चाहते हैं कि यार इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मूर्ख है, आपकी अच्छाई को वो मूर्ख मान लेता है। इसीलिए वो चाहता है कि मैं कोई अच्छे इंसान, स्मार्ट इंसान के साथ शादी करूँ या उसके साथ रिलेशन रखूँ। तो आपकी अच्छाइयों को, हालांकि आप भी स्मार्ट होते लेकिन आप अपने अच्छाइयों के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे होते, और लोग होते आपके इसी स्वभाव को मूर्ख समझते हैं, और इसीलिए अच्छे लोगों को हो लड़कियां या दूसरे लड़के छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा इन सारी चीजों को समझने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और आप मेरे वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।